नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नारायण हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आठवें दिन भी हुई अमृतबाड़ी की वर्षा से श्रद्धालु मस्ती में झूमते नजर आए। फिरोजाबाद रिजर्व पुलिस लाइन के सामने चल रहा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आज आठवें दिन नारायण हरि ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया कि कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जैसे 100 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी कर्ता को कहीं भी हो वहीं से ढूंढ लेता है। इसलिए संसार में रहकर मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए। ये मानव तन बार बार नहीं मिलता है। इसलिए संसार में रहकर मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। जिन हरि परमात्मा ने संसार में जीवन यापन करने के लिए सब कुछ दिया है, उन हरि परमात्मा को तुम क्या दे सकते हो। लेकिन ये चार हाथ पैर वाला मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए हरि परमात्मा को भी भूल जाता है। इंसान तो वही है जो इंसान के काम आए। मनुष्य को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही सच्ची मानव सेवा होती है। नारायण साकार हरि ने आगे बताया कि आज के भौतिकतावाद में मनुष्य मेमोरी अहंकार जातिवाद भेदभाव फैलाकर मानव जाति में विघटन पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों को तो संसार में भला नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की तो संसार में दुर्गति होती है। आगे नारायण साकार हरि ने अपनी ब्रह्मवाणी के माध्यम से बताया कि जैसे माँ के दूध की कोई जाति नहीं होती, उसी प्रकार गुरुओं की कोई जाति नहीं होती। गुरु तो सभी के लिए कल्याण का मार्ग बताते हैं। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य का शोक हरण करे, अपने शिष्य का दुख दर्द समझे, वही सच्चा गुरु होता है। लेकिन आज के समय में तो मतलबी गुरु ज्यादा मिलते हैं। अपने शिष्य का भला तो कम करते हैं, लेकिन शिष्य का शोषण ज्यादा करने वाले गुरु होते हैं। आगे नारायण साकार हरि ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया कि मनुष्य 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव तन मिलता है। इसको भी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए मेमोरी अहंकार जातिवाद भेदभाव में फंस कर बेकार कर लेता है। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए बेकार। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए बेकार। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए बेकार। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए बेकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांडी सदा सदा के लिए जय जयकार। ये जो अनगिनत आप महापुरुषों की तादात ने हम इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में उपस्थित है। आपकी मौजूदगी है, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार घर परिवार से अवकाश लेकर आप यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। तो श्रीमान जी, आप समस्त महापुरुषों का राज तो बनता है। जहाँ भी स्थान मिलता है, तन में दांतविता से आसन ग्रहण करते हुए एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने। मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक बात हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। जब आप यहाँ सत्य के साथ में पहुंचे हैं, पहले सत्य हम स्वयं को जानना। अगर आप संसार को जानते रहेंगे तो स्वयं को भूल जाएंगे। और जब स्वयं को आपने जान लिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है,
मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। वो मेन बॉडी आई एम सोर ईश्वर आत्मा सजीव अविनाशी। ये बात समझ में आ गई, ये कब परिपक्व रूप से समझ में आएगी, उसके लिए स्लोगन पहले ही उजागर किया जा चुका है, मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानो मानो को गले लगाना, मानो मानो से प्रेम करना। आपने जो अपनी पहचान बनाई हुई है, माँ के उदर से आपका जन्म हुआ, शिशु के रूप में आगे थोड़े पनपते गए बड़े, तो आपको सिखाया गया ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारी बहनें हैं, ये तुम्हारे चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी है, ये तुम्हारा फार्म हाउस है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारा मील है, ये तुम्हारा कारखाना है, और सिखा दिया तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय के सूत्र हो। जब स्वयं को याद लिया मैं कौन हूँ, तो फिर जो सीखा है धीरे धीरे खिसकता जाएगा, खिसकता जाएगा, और आप रूहानियत में कदम रख सकते हैं, इंसानियत को बरकरार रख सकते हैं, मानव मानव को गले लगा सकते हैं। क्यों? आप न हिंदू है, न मुस्लिम, सिख ईसाई है, न ब्राह्मण क्षत्रिय है, शूद्र है। शरीर को संबोधित किया गया है, और शरीर आप है नहीं, शरीर से प्राण वायु निकल जाती है, शरीर को शमशान में ले जाके दाह संस्कार कर देते हैं, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर देते हैं, फिर शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। तो श्रीमान जी ध्यान रखो, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, हाथ के सच्चे लंगोट के पर ईमानदारी, निष्ठा, विश्वास, बात, समर्पण स्वयं के लिए करके देखो। जब आप स्वयं ही हाथ के सच्चे होंगे, लंगोट के पक्के होंगे, आप स्वयं ही विश्वास पात्र होंगे, वफादार होंगे, और स्वयं ही समर्पण होंगे, विश्वास वफादार बनेंगे, तो बाबूजी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से आपकी दशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, आपके जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। आपके लिए फिर दुनिया में कोई बैरी नहीं होगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपकी निगाह में फिर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, आपकी निगाह में कोई गरीब अमीर नहीं होगा, क्योंकि आपको जो सदज्ञान मिला है, ज्ञान तो दुनिया के पास है, आपको जो सदज्ञान मिला है, सदज्ञान के माध्यम से समझ में आया, क्या कहते हैं, बिना गुरु के गति नहीं। आपके सम्मुख हमें घर का चौकीदार बनकर कितने वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, बदले में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम कुछ लेते नहीं, कोई दान पात्र कभी नहीं लगता, किसी रूप में दूध दही घी खाना पीना गाय फूल कुछ लेते नहीं, हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाती। और एक बात ध्यान रखे, लगभग 20 वर्ष सत्य के मार्ग पर हो गया, आज तक हमने ढोंग पाखंड नहीं किया है, आडंबर नहीं किया है, अंधविश्वास नहीं किया है, ढकोसला नहीं किया है। आने वाले समस्त महापुरुष एक इंसानियत को लेकर आते हैं, एक मानवता को लेकर आते हैं, और अगर आप कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके आराध्य हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है,
हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड में गोल मालिक है। हरि परमात्मा ही परम परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए जीवन में, इतना भी नहीं समझ पाते हो तो बाहू जी दुनिया में कहीं जाओ, तमाम मंदिर है, तमाम गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, तमाम मिशन संतता पंथ है, वृंदावन जाओ, विश्वनाथ काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, मंचा जहा जाओ, मन चाहे ना जाओ, कि आध्यात्मिक मार्ग में दो ही बातें हैं, पहली बात है मनमुख, दूसरी बात है गुरुमुख। अगर आप मनमुखी हैं तो दुनिया में कहीं जाओ बाबूजी जीवन सफलता की तरफ प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप गुरुमुख, गुरु के मुख से जो निकला और सुना वो कर्म में ढाला तो बाबूजी आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपके चाल चलन बदल जाएंगे, आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशहाली होगी, आपके जीवन में आनंद होगा। और खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने को धन्य महसूस करेंगे कि परमात्मा ने हमें नारी का जीवन दिया है, आज हमारा सद्ज्ञान प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया है, आपको जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाती है। तो ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा अनेकों बार कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा न था न है न ही होगा। दिमाग मर गया, समय मिला है, मौका मिला है, भक्त मिला है, इसके महत्व को समझने का प्रयास करो। और हकीकत तो ये है, आराध्य प्रभु परमात्मा नारायण हरि के अक्ष को, के प्रतिबिंब को अगर आप अपने नैनों में बसाएंगे तो हृदय से प्रीति की फुहारें निकलना शुरू हो। जिसने भी पाया है, जो भी परमात्मा को उपलब्ध हुआ है, वो परमात्मा की भक्ति और प्रीति से ही परमात्मा को उपलब्ध हो पाता है। क्षण कपट चित्र मोय नहीं भावा, निर्मल मन मोय भावा। एक बात का विशेष कर ध्यान रखें, चारा की चतुराई होशियारी, ये सब दुनिया का मैटर है, दुनिया का विषय है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। भला आदमी कभी किसी पर उंगली नहीं उठाता है, सज्जन पुरुष कभी किसी के लिए दूषित मंतव्य विचार प्रकट नहीं करता है, वो स्वयं के जीवन को देखता है और जहां से आज्ञा मिली है प्रभु परमात्मा की, उस आज्ञा को सिरोधार कर जीवन व्यतीत करने लगता है, परिवार में रहकर खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए चलोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरे मायनों में देखें, अभी आपने सुना, देखो सीधी सी बात है, तमाम मथुरा वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, तमाम मंदिर है, पूजा कर जाओ, जब तक आस्था श्रद्धा पक्की नहीं, एकीदा नहीं, तो बाबूजी समझ लीजिए आध्यात्मिक के नाते जमाने में जहां भी जाओगे आप, आपको ठोक पाखंड डम्बर अंधविश्वास से ही मुकाबला करना पड़ेगा। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आज तक ढंग पाखंड आडम्बर अंधविश्वास ढकोसरा भेदभाव को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। और आप पहले से जानते हैं, हम उन्हें स्मरण कराते हैं, हम तो मात्र घर का चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। अंग पर जो वस्त्र आप देखते हैं शुरू से अब तक,
हम कोई साधु संत महात्मा तो नहीं, हम कोई बाबा वगैरह भी नहीं, कथावाचक भी नहीं, उपदेशक भी नहीं, हम कोई स्पीच नहीं देते। पहले परमात्मा आकार की रहमत है, रहमो कर्म है, जो आपके सम्मुख सच्चाई के सत्य के दो शब्द आ जाते हैं, दो बोल आ जाते हैं, और आपको आने जाने से ही आपको लाभ होता है, हानि होती है, तो आप ही जानते हैं, आप ही समझ सकते हैं, और किसी से पूछने की जरूरत आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो संत मत भी कहता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी आया, हमने सुना है, हिमाया मरी नमन मरे मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। संत मत भी कहता है, वेद शास्त्र पुराणों में भी आया है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वाला भाग। समझना चाहिए, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इसीलिए तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की रामायण मांकन लेख लिखा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दौरे, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से पारा। गहन करना में करना श्रीमान जी आपका काम है, सुनोगे पियोगे मन मस्तिष्क में धारण करोगे, कर्तव्य कर्म करोगे, तो जीवन में निखार जरूर आएगा। आप समझ सकते हैं, आंख में कीचर है, नाक में नक्सीर है, मुंह में ककार है, अंदर मली ही मली है, समझ सकते हैं, फिर हम किस पर घमंड करते हैं, किस पर गुमान करते हैं। और बाबू जी जितना जो आपको सद ज्ञान मिला है, झुके चलोगे तो प्राप्ति हो जाती है, और सतर होके चलते तो टूटने के गिरने में देर नहीं लगती। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों को काम के नेता है। हमें तो जो मानवता से संबंधित शिक्षा मिली है, जो सद्ज्ञान पाया है, उसका अनुसरण करना है, अनुकरण करना है, फालतू बातों में फंसने की जरूरत नहीं लगती। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। दासागर जी प्रेम से बोलना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।